Dear students, last lecture we have discussed about one compartment open model extravascular administration. उसका deriv equation derive किया था उसके model को देखा था हमने कैसे उसको model को define कर सकते हैं उसमें parameters निकाले थे हमने अब सिर्फ दो parameters निकाले थे C max and T max. अब इस लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स जैसे कि एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के हो गया देन एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट के हो गया ठीक है ये सब हमें निकालना है तो इस लेक्चर में हम लोग आगे फर्दर बढ़ते हैं सो so, हमें अभी केई निकालना है केई क्या है एलिमिनेशन रेट कॉन्स्टेंट एक्स्ट्रावास्कुलर रूट में जब हम किसी ड्रग को दे रहे हैं तो ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन फेज वी नो ग्राफ आपने पहले भी देखा हुआ है एब्जॉर्प्शन फेज में रेट ऑफ रेट कांस्टेंट एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट इज फार मोर ग्रेटर देन द एलिमिनेशन रेट कॉन्स्टेंट के ए इज फार मोर ग्रेटर देन के सो इस कंडीशन में क्या होगा कि ई टू दावर माइनस के ए टी दैट विल नियरली अप्रोच टू जीरो सो ये पार्ट आपका ये इक्वेशन आपको याद होगा दिस इज द प्लाज्मा कंसेंट्रेशन इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कंपार्टमेंट बेसिकली सेंट्रल कंपार्टमेंट को ही लेके चलते हैं यहां पर तो सेंट्रल कंपार्टमेंट का यह प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन का इक्वेशन है इसमें यह पार्ट जो है आपका ई टू दी पावर माइनस के ए टी दैट विल बिकम जीरो तो आप बचेगा क्या सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा आपका ठीक है सिर्फ ये वाला पार्ट बचा है ओके okay? देन अगर आप लॉग ले लेंगे दोनों तरफ इस तरफ भी लॉग ले लिया इस तरफ भी लॉग ले लिया देन इट विल बिकम अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लॉग सी अगर लॉक सी वर्सेस टी को प्लॉट करेंगे देन वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दिस विल बी द इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस एंड दिस विल बी द स्लोप केई अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री विल बी द स्लोप ठीक है यहां तक क्लियर है कि आप अब आपको इस ग्राफ से क्या निकल सकता है केई निकल सकता है आगे बढ़ते हैं ना आपको अब केई निकालना है केई निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहां पर हम लगाएंगे एब्जॉपन रेट कॉन्स्टेंट निकालना है तो अब हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर मेथड ऑफ रेसिड्यूल्स आपने नाम जरूर सुना होगा आप लोगों के सिलेबस में भी है ये तो मेथड ऑफ रेसिड्यूल्स हमको यहाँ पे लगाना है सो मेथड ऑफ रेसिड्यूल्स क्या है रेसिड्यूल्स का मतलब होता क्या है रेसिड्यूल्स का मतलब रेसिड्यू मतलब बची हुई चीज ठीक है अब हम उससे बची हुई चीज से कैसे मतलब एक एक चीज को आप हटाएंगे रेसिड्यू मतलब क्या होता है कोई चीज का कुछ पोर्शन जो बच जाता है रेसिड्यू ठीक तो उसी से बना है मेथड ऑफ रेसिड्यूअल्स इसको हम लोग बोलते हैं फेदरिंग पीलिंग एंड स्ट्रिपिंग मेथड इसको फेदरिंग पीलिंग एंड स्ट्रिपिंग मेथड भी बोलते हैं फेदरिंग पीलिंग पीलिंग मतलब क्या होता है छीलना तो किसी चीज को अगर आप छीलते हो मतलब एक एक करके उसके पार्ट को निकालते जा रहे हैं स्ट्रिपिंग का मतलब भी यही होता है कि एक एक करके धीरे धीरे उतारते जाना ठीक है तो ये मेथड ऑफ रेसिट्यूअल्स का मतलब ही हुआ कि हम लोगों को एक एक करके धीरे धीरे एक एक पार्ट को हटाते जाना है और उसके बाद जो बचेगा उससे हम एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं सो so, इसका दूसरा नाम फेदरिंग पीलिंग एंड स्ट्रिपिंग मेथड भी है और इसको ही कर्व फिटिंग मेथड भी बोलते हैं ठीक इसको इसको यूज कहां पे है इट इज यूज फॉर सॉल्विंग मल्टी एक्सपोनेंशियल कर्व मल्टी एक्सपोनेंशियल मतलब क्या वजह जैसे आपने लिनियर इक्वेशन अभी देखा था वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दैट इज अ मोनो एक्सपोनेंशियल दैट इज मोनो एक्सपोनेंशियल बट इन केस ऑफ खास करके टू uh, कंपार्टमेंट या वन कंपार्टमेंट एक्स्ट्रा वास्कुलर जहां पर दो दो रेट कांस्टेंट्स आ जाते हैं जैसे यहां पर की बात है यहां पे दो रेट कांस्टेंट्स है एक एलिमिनेशन दूसरा एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट तो जहां पर भी दो रेट कांस्टेंट्स आ जाते हैं वहां पे मल्टी एक्सपोनेंशियल कर्व की बात होती है ठीक है तो मल्टी एक्सपोनेंशियल कर्व को सॉल्व करने के लिए वी कैन यूज दिस मेथड ऑफ रेसिड्यल्स इट इज नॉट ओनली यूज फॉर वन कंपार्टमेंट बट इट इज ऑल्सो यूज फॉर टू कंपार्टमेंट जब आप टू कंपार्टमेंट पढ़ोगे तो वहां पर भी आपको दिखेगा कि टू कंपार्टमेंट में भी आप इस मेथड ऑफ रेसिडुअल्स को यूज करते हुए आप डिफरेंट टाइप कॉन्स्टेंट्स को आप सेपरेट आउट कर सकते हो जैसे यहां पर आपके दो कॉन्स्टेंट हैं एक है आपका एब्जॉर्प्शन रेट कॉन्स्टेंट और दूसरा है एलिमिनेशन रेट कॉन्स्टेंट अभी पिछले लास्ट uh, में अभी हमने जस्ट बताया आपको एलिमिनेशन रेट कॉन्टेंट कैसे निकालते हैं और अब हम लोग एब्जॉर्प्शन रेट कॉन्स्टेंट इस मेथड से कैसे निकालते हैं चलो इसकी बात करते हैं फिर से हमने वही इक्वेशन राइट डाउन किया है सी इज इक्वल टू एफ एक्स जीरो के अपॉन वीडी के माइनस के ई टू दी पावर माइनस के ईटी माइनस ई टू दी पावर माइनस के एटी suppose this portion this is a constant you know so this portion is becomes a capital a that is a hybrid constant okay then how you can write this c c can be written as capital a e to the power minus kt minus capital a e to the power minus kat थोड़ा सा इक्वेशन को रिड्यूस किया गया पूरे के पूरे इस टर्म को एक कांस्टेंट टर्म माना गया दैट इज अ हाइब्रिड कांस्टेंट हाइब्रिड का मतलब होता है दो से ज्यादा चीजों को मिला करके जब आप कोई चीज बनाओ दैट इज अ हाइब्रिड ठीक है तो यहां पर भी चूंकि यहां पे मल्टीपल मल्टीपल कांस्टेंट्स है के भी है के भी है, है इसलिए इसको हाइब्रिड कॉन्स्टेंट का नाम दिया गया है ठीक नाउ दिस इज द टर्म अब इसमें से हम लोगों को केई भी निकालना है के भी निकालना है नाउ यू आर गोइंग टू यूज द मेथड ऑफ रेसिड्यूल्स अब सपोज वेन एब्जॉर्प्शन इज ऑलमोस्ट कम्पलीट दैट मीन्स कि नियरली एब्जॉर्प्शन कम्पलीट हो चुका है और ड्रग अपने पीक पर है मैक्सिमम प्लाज्मा कंसेंट्रेशन पे है बॉडी में एंड इट इज गोइंग टू एलिमिनेट नाउ पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन फेज में पहुंचने वाला है अब तो उस केस में क्या होगा कि उस समय क्या कौन सा रेट काफी ज्यादा हाई है उस समय के बहुत ज्यादा हाई है एज कम्पेयर टू द केई ठीक जब के बहुत ज्यादा हाई है इसका मतलब क्या हुआ अगर इस इस इक्वेशन में हम के को काफी ज्यादा हाई कर दें तो ये पूरा टर्म ई टू दावर माइनस के टी दैट विल टेंड्स टू जीरो दैट विल बी नियरली इक्वल टू जीरो ठीक है तो ये पूरा टर्म अगर जीरो हो गया दैट मीनस ये पूरा टर्म जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म हट जाएगा बचेगा क्या सिर्फ आपके पास ये ए ई टू दावर माइनस के टी ठीक है तो अब हमने इसको लिखा है सी बार बैक बार बैक एक्स्ट्रा पोलेटेड प्लाज्मा कंसेंट्रेशन ये जो आ, पीछे की तरफ एरो दिख रहा है दैट डिनोट्स द बैक एक्स्ट्रा पोपोलेटेड प्लाज्मा कंसेंट्रेशन ठीक तो इसको हमने ए टू दावर ए इंटू ई टू दावर माइनस के एटी चूंकि ये पूरा पोर्शन जीरो हो गया है इसलिए सिर्फ आपके पास अब ये बचा है ठीक है तो दिस इज दिस टर्म डिनोट्स द बैक एक्स्ट्रा पोलेटेड प्लाज्मा कंसेंट्रेशन वैल्यूज ठीक है अब आपके पास दो इक्वेशन है एक ये पहला इक्वेशन ये दूसरा इक्वेशन ये ठीक अब इसमें हम माइनस करेंगे इसमें से इसको माइनस करेंगे दैट मीन्स कि सी बैक एरो से हम कंसेंट्रेशन प्लाज्मा ट्रू प्लाज्मा कंसेंट्रेशन को माइनस करेंगे सो दिस वैल्यू इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस वन एंड वी गेट दिस वैल्यू अब आपको मिलेगा क्या ए टू द पावर माइनस के टी ये जो बच गया दैट इज कॉल्ड एज रेसिडुअल कंसेंट्रेशन दैट इज डिनोटेड बाई सी और नीचे सबस्क्रिप्ट में आर ठीक है रेसिडुअल कंसेंट्रेशन सो आपके पास अभी दो इक्वेश सीआर इज रेसिडुअल कंसेंट्रेशन एंड सी आर इज इक्वल टू क्या है ए ई टू दी पावर माइनस के ए टी अब आपके पास देख लीजिए आपके पास ये दो equations है एक आपके पास ये इक्वेशन आ गया और एक आपके पास ये इक्वेशन आ गया ठीक है अब इन दोनों टर्म्स को आप लॉग ले सकते हैं लॉग ऑफ सी आर और इस, इस तरफ भी लॉग लेंगे उसी तरीके से इसको भी लॉग में कन्वर्ट करेंगे सो लॉग ऑफ सी आर इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस के टी अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री ठीक है अब और दूसरा इक्वेशन आपके पास ये है लॉग ऑफ सी बार दैट इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस के ई टी इसका भी लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो आपको आएगा लॉग ऑफ सी बार लॉग ऑफ ए माइनस के ई टी अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री ठीक है बिल्कुल तो अब आपके पास दो इक्वेशंस है एक है लॉग ऑफ सी आर वाला और दूसरा आपका है लॉग ऑफ

ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द ट्रू प्लाज्मा कंसेंट्रेशन क्योंकि ट्रू प्लाज्मा कंसेंट्रेशन ऐसे ही रहता है धीरे धीरे करके जब आप एक, खास करके एक्स्ट्रा वास्कुलर में डोज धीरे धीरे बढ़ रहा है और फाइनली एलिमिनेट हो रहा है वी हैव टेकन द लॉग सी वैल्यूज हेयर एंड इन एक्स एक्सेक्सेस लॉन्ग एक्सेक्स वी हैव टेकन द टाइम ठीक है अब इसको पहला कर्व जो पीछे गया बैक एक्स्ट्रापोलेटेड दैट मीन्स कि इसी कर्व को हम पीछे लेके जाएंगे बैक करेंगे जहां पर भी ये वाई एक्सेस को टच कर रहा है वो उसका इंटरसेप्ट होगा सो so आपको ये देखिए ये ध्यान है इसको हमने क्या बोला था बैक एक्स्ट्रापोलेटेड प्लाज्मा कंसेंट्रेशन तो ये जो बैक होके जा रहा है यहां पे टच हो रहा है तो इंटरसेप्ट क्या होगा लॉग ऑफ ए और इसका स्लोप क्या होगा माइनस के ई अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री तो इसका स्लोप हो गया ये ठीक है ये लाइन समझ में आ गई ये कैसे जा रहा है दिस इज द ट्रू प्लाज्मा कंसेंट्रेशन वैल्यूज इसको बैक एक्सट्रापोलेट किया तो आपको मिल गया के ही की वैल्यू और ये आपका कौन सा कर्व है दिस इज फॉर सी बार लॉग ऑफ सी बार ठीक है दूसरा कर्व है आपका ये वाला आप ड्रॉ करेंगे दिस इज द रेसिडुअल कर्व इसको रेसिडुअल कर्व भी बोलते हैं लॉग ऑफ सी आर इसको प्लॉट करेंगे तो ये भी पीछे जा करके उसका इंटरसेप्ट भी सेम है लॉग ऑफ ए है तो यही जाकर टच करना चाहिए तो इस बीच लॉग ऑफ ए होगा और दैट विल गिव यू इसका स्लोप हमको क्या देगा के अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री देखिए आपको के की वैल्यू भी इसके स्लोप से मिल रही है दूसरा के की वैल्यू ये तीसरी लाइन क्या है ये तीसरी लाइन लैग टाइम बताता है मतलब क्या हुआ कि जब आपका रेसिडुअल कर्व विल टच दैक एक्स्ट्रापोलेटेड कर्व एट समेटिंग इंटरसेक्टेड एट समय उस पॉइंट से अगर आप टाइम uh, पे, पे, पे नीचे लेके आओगे तो दैट टाइम गिवस यू द लैक टाइम लैक टाइम का मतलब यह होता है लैक टाइम का मतलब क्या होता है कि जब तक एब्जॉर्प्शन स्टार्ट नहीं हुआ खास करके फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर््शन जब तक स्टार्ट नहीं हुआ दैट टाइम इज कॉल्ड इज द लैक टाइम टाइम डिले बिफोर द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉपश्शन ठीक है तो अब आप ये भी कह सकते हो कि ये दोनों जब लाइन्स स्ट्रेट थी तो ये दोनों इंटरसेक्ट कैसे करेगी जब दोनों का इंटरसेप्ट एक ही है एक्चुअली ये पॉइंट बता रहा है हमें कि इसके पहले ये स्ट्रेट नहीं थी इसके पहले ये फर्स्ट ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा था लेकिन यहां से इसने फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करना शुरू किया है तो इसलिए ये दोनों पॉइंट ये दोनों लाइन्स यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है और ये इंटरसेक्ट जहां पे कर रही है दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज द लैग टाइम ओके अब इसमें एक कंडीशन है जब अब देखिए दिस इज द मेथड ऑफ रेसिडुअल्स इस रेसिडुअल से मेथड ऑफ रेसिडुअल से हमने क्या क्या निकाल लिया केई की वैल्यू इसके स्लोप से निकला किसके स्लोप से बैक एक्स्ट्रापोलेटेड कर्व से रेसिडुअल कर्व से हमने के की वैल्यू निकाल ली तो के और केई दोनों निकल गया इसमें एक कंडीशन है इसमें कंडीशन ये है कि के अपॉन के शुड बी मोर देन और इक्वल टू थ्री ये ध्यान रखिएगा शुड बी मोर देन और इक्वल टू थ्री ठीक है तभी ये फुलफिल होता है तभी क्राइट, इसी क्राइटेरिया के बेस पे ये सारे पूरे पैरामीटर्स फुलफिल होंगे तो अभी आपके पास के भी निकल गया के भी निकल गया अगर इन केस के ए इज नॉट मतलब के अपॉन के ई इज नॉट मोर देन और इक्वल टू तो, थ्री तो, अगर ये जस्ट रिवर्स हो गया सपोज के ई अपॉन के इज मोर देन और इक्वल टू थ्री अगर ये रिवर्स हो गया रिवर्सल ऑफ द वैल्यूज ऑफ के ई एंड के देन दैट फेनोमिना इज कॉल्ड एज द दैट फेनोमिना इज कॉल्ड एज फ्लिप फ्लॉप फेनोमिना ठीक है उस फेनोमेना को बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप फेनोमेना जिसमें कि केई अपॉन के बिकम्स मोर देन और इक्वल टू थ्री एंड द स्लोप्स ऑफ द टू लाइंस इंटरचेंज देयर वैल्यूज मतलब जो बैक एक्स्ट्रापोलेटेड था उसका स्लोप बन गया के और जो रेसिडुअल कर्व था उसका स्लोप बन गया के सिर्फ इनके स्लोप्स की वैल्यूज चेंज हो जाती है चूंकि ये कंडीशन चेंज हो जाती है और बाकी सारी चीजें वही रहती है सो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज द फ्लिप फ्लॉप फेनोमेना ठीक है एंड इसका एक एग्जाम्पल है आइसोप्रिनालिन आइसोप्रिनालिन के केस में ऐसा होता है तो इस तरीके से हमने अभी तक आपको आपने देखा कि कैसे के भी निकाल लेंगे के ही भी निकाल लेंगे और बाकी सी मैक्स और मैक्स तो आपने पहले ही निकाला हुआ था ओके नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वैगनर नेल्सन मेथड बताऊंगी और फिर टू कंपार्टमेंट में चलेंगे थैंक यू वेरी मच